हेलो गाइस, डिजिटल ध्रुव यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महानंद ध्रुव यूट्यूबर, और आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा कि रेडमी 9 में कॉन्टैक्ट नंबर पर प्रोफाइल फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं, नंबर पर फ़ोटो कैसे लगाएंगे। इस वीडियो पर आप लोगों को सिखाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। यदि रेडमी फोन से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलो फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर रेडमी 9 मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले ओपन हो चुका है। यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन की कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन को सिंपली से एक बार टैप करना। कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन को टैप करते ही यहां पर कॉन्टैक्ट की इंटरपेज ओपन हो चुका है, और यहां पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर फोटो लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेना। और कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट पर सिंपली से एक बार टैप करना। कॉन्टैक्ट पर टैप करते ही यहाँ पर इस तरह का एक इंटरपेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोफाइल की आइकन को सिंपली से एक बार टैप करना। प्रोफाइल की आइकन को टैप करते ही यहाँ पर इस तरह का एक छोटा सा पॉपअप पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, चूज फोटो फ्रॉम गैलरी की ऑप्शन को सिंपली से एक बार टैप करना। टैप करते ही यहाँ पर इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे इमेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर लेना, और फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फोटो पर सिंपली से एक बार टैप करना। टैप करते ही यहाँ पर इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, फोटो को एडजस्ट क्रॉप कर लेना। और फोटो को एडजस्ट और क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ओके की ऑप्शन को सिंपली से एक बार टैप करना। ओके की ऑप्शन को टैप करते ही कॉन्टैक्ट नंबर पर फोटो लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार रेडमी 9 में कॉन्टैक्ट नंबर पर फोटो लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पर जरूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।